देखते हुए आपका स्वागत है। हमीरपुर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला राजमार्ग की मरम्मत नहीं किए जाने से समस्या गहराती जा रही है। करीब 3 महीनों से बनी समस्या को लेकर अब दुकानदारों ने जिला प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। वहीं आज सड़क किनारे दुकान गेवा सेट के अंदर सड़क से पत्थर उछलने से शीशे टूट गए। हालांकि दुकान के अंदर बैठे हुए ग्राहक भी घायल होने से बाल बाल बचे हैं। दुकानदारों ने प्रशासन को कोसते हुए सड़क की हालत को न सुधारने का आरोप लगाया है। हमीरपुर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला राजमार्ग की मरम्मत नहीं किए जाने से समस्या गहराती जा रही है। करीब 3 महीनों से बनी समस्या को लेकर अब दुकानदारों ने जिला प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। वहीं आज सड़क किनारे दुकान गेवा सेट के अंदर सड़क से पत्थर उछलने से शीशे टूट गए। हालांकि दुकान के अंदर बैठे हुए ग्राहक भी घायल होने से बाल बाल बचे हैं। दुकानदारों ने प्रशासन को कोसते हुए सड़क की हालत को न सुधारने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सड़क की हालत नदौन चौक से लेकर भोटा चौक तक दयनीय बनी हुई है और पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दौरा प्रस्तावित होने के चलते आनन फानन में पीडब्ल्यूडी विभाग ने गड्ढों को बजरी से भर दिया था, लेकिन बाद में दौरा रद्द होने की वजह से सड़क की मरम्मत नहीं की है, जिस कारण समस्या गहराई हुई है। अब सड़क पर पड़ी बजरी से पत्थर गाड़ियों के चलने से उछलकर दुकानों के अंदर पड़ रहे हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। वहीं सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। गुरमीत सिंह दुबे ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है और जिला प्रशासन के अलावा विधायक को भी समस्या के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन सड़क की हालत नहीं सुधारी जा रही है। दुकानदारों ने प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द समस्या का हल नहीं किया तो सड़क को मजबूरन बंद करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही दुकानदार ने कहा कि अगर 2-3 दिनों के अंदर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू न किया गया तो व्यापार मंडल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। कुछ दिन पहले जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने हमारा जो ये नया रोड की सड़क है, इसके दोनों साइड सीमेंट की बन्नी बना दी। सारे दुकानदारों ने जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सड़क में बारिश की वजह से कई जगह पानी खड़ा होता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। उन गड्ढों को बंद करने के लिए हमने ये किया और इसके ऊपर हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो तारपोल बिछाएंगे, ताकि ना दुकानदारों को परेशानी हो ना वाहन चल पाए। 3 महीने गुजर गए, जब पूरी गर्मियां थी उसमें इस सड़क का कार्य शुरू हुआ था। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी प्रशासन ने आंखें मूंदी हुई हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां पे नहीं की जाती। जब भी स्थानीय दुकानदार अपनी समस्या को बताते हैं तो प्रशासन खाना पूर्ति करने के लिए या तो यहां पे बजरा डाल देता है या मिट्टी बिछा देता है। एक तरफ तो सरकार दुकानदारों को आदेश देती है कि अपना दुकान का जो सामान है उसको साफ सुथरा ग्राहकों को उपलब्ध करवाओ। हम स्थानीय दुकानदार प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी भी नाले की मिट्टी उठा के इस मेन सड़क पे डाल दोगे, हम दुकानदार कितनी साफ सफाई वाला सामान ग्राहकों को उपलब्ध करवा सकेंगे। अभी कुछ देर पहले ये बड़ा पत्थर यहाँ बस के टायर से उठा और ये हमारी दुकान का शीशा तोड़ा गया। दुकान के अंदर एक लेडीज बैठी थी, उसके साथ एक बच्चा था। अगर ये शीशा ना होता तो वो पत्थर सीधा जाके उस औरत को या बच्चे को लगता। प्रशासन पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। हमने स्थानीय विधायक से भी कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं किया। हम सारे दुकानदार स्थानीय प्रशासन का विरोध करते हैं। सुबह और समय 2 टाइम हमारे DC साहब, SP साहब इसी ही रोड से अपने ऑफिस को जाते हैं। कई बच्चे इसी रास्ते से स्कूल के लिए जाते हैं। गाड़ी वाले कभी ये नहीं देखते कि सड़क में पानी भरा है या पत्थर पड़े हैं, किसी को लग सकते हैं। बार बार मांग हमारे उठाते रहे, ना प्रशासन सुनता है ना स्थानीय विधायक सुनते हैं। हम दुकानदार परेशान हैं। अगर यही हालात रहे तो हम इस रोड को बंद करेंगे और स्थानीय प्रशासन और विधायक के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उपलब्ध करेंगे। हम ये चाहते हैं अब हमें आश्वासन न दिया जाए। 1 या 2 दिन के भीतर इस सड़क के
पूर्ण रूप से कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना भी मोटा चौक का व्यापार मंडल है वो एकजुट होकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करे।